let's read the question so the question says consider the following species cn positive cn negative no cn which one of these will have the highest bond order option a no option b cn negative option c cn option d cn positive so the key concept key concept is bond ऑर्डर ठीक है सो देखो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वन बाय टू ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ठीक है सो so, देखो हमारे पास पहले क्या है एनओ NO. एनओ NO का हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन विद रिस्पेक्ट टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी सो नाइट्रोजन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेकेंड सेवन एंड ऑक्सीजन में होते हैं एट तो सेवन प्लस एट कितने हो जाते हैं फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू देन वी विल हैव सिग्मा टू एस टू देन वी विल हैव सिग्मा स्टार टू एस टू देन

सो so, हम क्या करते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू वन बाई टू ठीक है 2, अब हम क्या करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो कितने जाएंगे टू टू फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट प्लस टू टेन एंड रिमेनिंग क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग सो हो जाएंगे रिमेनिंग यानी कि फाइव सो ये कितना आ जाता है टेन माइनस फाइव इज फाइव फाइव डिवाइडेड बाई टू इज टू पॉइंट फाइव तो ये क्या आ जाता है इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है ठीक है ठीक है अब हम बात करते हैं सी एन नेगेटिव नेगेटिव की ठीक है देखो में हमारे हमारे कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैसे कार्बन के हो जाते हैं नाइट्रोजन के हो जाते हैं सात so, और सात और ये, की प्लस वन ठीक है प्लस वन यानी प्लस वन इलेक्ट्रॉन एक और एड हो जाता है ठीक है तो थर्टीन प्लस वन इलेक्ट्रॉन यानी कि फोर्टीन इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसकी क्वालिफिक्रेशन हो जाती है सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार 1s2 sigma 2s2 सिग्मा star 2s2 then we स्टार pi 2px2 this is equal to pi 2py2 and sigma 2pz2 सिग्मा ठीक है इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 2 टू टू कितने होगा सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट प्लस टू टेन ठीक है एंटी बॉन्डिंग ऑब्वियसली फिर कितने जाएंगे फोर सो so हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका तो कितना होगा दिस विल बी इक्वल टू वन बाई टू टेन माइनस फोर सो टेन माइनस फोर इज सिक्स सिक्स डिवाइड बाई टू इज़ इक्वल टू थ्री ठीक है अब हम क्या करते हैं सी एन पॉजिटिव का क्या करते हैं सी एन पॉजिटिव का निकालते हैं देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं छः नाइट्रोजन में कितने होते हैं सात ठीक है 7, कितने हो जाते हैं तेरह और ये प्लस वन ठीक है ये पॉजिटिव साइन की वजह से क्या हो जाएगा माइनस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा घट जाएगा तो थर्टीन माइनस वन कितने हो जाएंगे ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन ठीक है ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगी सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू सिगमा टू एस टू सिग्मा स्टार टू एस टू देन वी विल हैव पाए टू पी एक्स टू इज इक्वल टू पाए टू पी वाई टू ठीक है बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू वन बाय टू ठीक है अब देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने टू टू फोर फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस टू एट एट ओके माइनस एंड एंटीबॉन्डिंग कितने होंगे फिर फोर सो दिस विल बी इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू टू अब हम निकालते हैं सी एन ठीक है सी एन में देखो हमारे छः इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के और नाइट्रोजन के सात तो कितने जाते हैं थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगी सिग्मा वन एस टू सिगमा स्टार वन एस टू सिगमा टू एस टू सिग्मा स्टार 2s 2 pi 2p टू पी एक्स टू देन वी हैव पाए टू पी वाई टू देव सिग्मा 2p z ओके वन ठीक है बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा वन बाई टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे टू प्लस टू फोर फोर प्लस टू सिक्स प्लस टू एट एट प्लस वन कितना नाइन एंटी बॉन्डिंग कितने जाएंगे रिमेनिंग तो ये कितना हो जाता है नाइन माइनस फोर विच इज इक्वल टू फाइव फाइव डिवाइड बाई टू इज टू पॉइंट फाइव देखो सी एन का हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला है टू पॉइंट फाइव ठीक है एंड सी एन पॉजिटिव का टू बात करते हैं हम सी एन नेगेटिव का तो सी एन नेगेटिव का निकला है हमारा थ्री एंड एन का निकला है 2.5 पॉइंट फाइव सो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका निकला है हमारा सी एन नेगेटिव का सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन बेस्ट ऑफ लक